एवरीवन, जय श्री राम। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, हाय, माय नेम इज तर्शला एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड्स ओन गर्ल। प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो। सो गाइस, आज का वीडियो कोई मेकअप वीडियो नहीं होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? क्योंकि आई नो गाइस, आप लोग भी मेकअप वीडियोस देख देख के पक गए होंगे। बात तो सही है। बट या YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड वीडियो जरूर होने वाला है। सो वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। जी हाँ गाइस, फर्स्ट टाइम इन माय YouTube हिस्ट्री मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस के बारे में। आई एम गोइंग टू लिटरली टॉक अबाउट बिग बॉस। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? सो गाइस, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यूट्यूबर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। एंड गाइस, सीक्रेट बात तो ये है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियोस बना के व्यूज भी तो चाहिए, ग्रोथ भी तो करनी है चैनल की। समझ रहे हो आप? एंड प्लीज गाइस, इग्नोर माय वॉइस क्योंकि मेरा थोड़ा गला खराब है तो आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही होगी। बट प्लीज एंजॉय दिस वीडियो, मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड द बिग बॉस ओटीटी रिव्यू वीडियो। सो फर्स्ट बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इस शो में है या नहीं है वो पता नहीं, बट है तो भी क्यों है। सो सबसे पहले आते हैं जैद हदीद साहब, जैद हदीद जो भी नाम है, क्योंकि उन भाई साहब ने इस पूरे शो में सिर्फ एक ही बड़ा कांड, नहीं सॉरी, दो बड़े कांड किए हैं, जिनमें से एक था अपना पिछवाड़ा दिखाना और दूसरा था आकांक्षा दीदी को करना। सो गाइस, दोनों ही टॉपिक की वजह से ही वो हाईलाइट हुआ था, उसके अलावा तो वो कुछ क्या कर रहा है वो किसी को भी नहीं पता। फिर आते हैं फेस रीडिंग करने वाली देवी बेबी का जी की तरफ। उसका एक वीडियो मैंने देखा था ना, बस वही वीडियो बहुत एंटरटेनिंग लगा था, आप लोग भी देख लीजिए। जादू इज मैजिक, जादू इज नॉट एलियन। ये अगर किसी के घर पे फेस रीडिंग करने की और ये ऐसे पलट गई ना तो इसका करियर तो गया। फिर उसके बाद में बारी आती है ये जो बेबी का जी है, जिनकी चमची बनी फिरती है मिस महान, जिनको बिग बॉस और सलमान खान भी कुछ नहीं बोलता है, वही हमारे महेश भट्ट जी की बेटी। ये मैडम तो है ना, सचमुच मुझे सिर्फ दो जनों की वाइब देती है, एक है ये जुगाली करने वाली बकरी और दूसरी हमारी स्कूल टीचर। कोई मेरी स्कूल टीचर अगर ये वीडियो देख ली हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। पर हाँ, वैसे एक बात तो है, ये बिग बॉस जीते ना जीते बट जुगाली कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाएगी, मतलब। बट हाँ गाइस, बीच में एक लड़की जरूर दिखी थी, वही जिसने एलविश को साबुन का पानी पिलाया था। माँ कसम बोल रही हूँ गाइस, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ किया होता ना, उसको पूरा साबुन में नहला देता। बट कोई बात नहीं, एलविश ने भी बहुत अच्छी तरीके से लड़की होते हुए उसको हैंडल किया है। भाई साहब सच बोलूँ ना तो इनमें से जो बचे हुए लोग हैं ना, वो सिर्फ मुझे तब दिखे जब महेश दल्ले, सॉरी गलती से मिस्टेक हो, महेश भट्ट जी आए थे। सच बात बोलूँ ना तो ये गाना सिर्फ और सिर्फ महेश भट्ट जी के लिए बनाया, मतलब भट्ट से ज्यादा उनके ऊपर दल्ले जम रहा है। भाई साहब, इस बंदे ने जो एंट्री ली है ना, और एंट्री में आते से उसने जो अभिषेक को बोला ना कि आई लव योर मदर्स, आह, उन्होंने जो आपको गले लगाया तो उनके जिस्म से एक आह गूंजी। बट उस बंदे ने जिस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट किया ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, गाइस बहुत अनकंफर्टेबल था, मतलब हमको देख के इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था तो वो लोग तो। बट मनीषा और जिया के फेस पे लग रहा था कि वो बहुत अनकंफर्टेबल है। आप लोग भी जाकर ये क्लिप देख के आए, शायद आपको भी लग जाए जो मुझे लगता है। अगर नहीं पहुंच रहा तो कमी मेरे में, ये अपने आप पे कभी शक नहीं करना। जैसे मैंने इसको हमेशा कहा, इनको भी कहा था कि मेरे लिए, और ये इनका हाथ पड़ी है ना, इसके पीछे छुपना, चेहरे को थोड़ा सुकून दो। आई नो गाइज, उन लोग जो अंदर होंगे उनको अनकम्फर्टेबल नहीं लग रहा होगा, या फिर वो नहीं बोलना चाहते होंगे क्योंकि उनको आगे काम करना है इंडस्ट्री में। इसलिए एल्विश के पापा भी आए थे, उन्होंने भी लोगों से इंटरेक्ट किया था। बट क्योंकि अब मुझे जाके जिया जी से पूछना है कि आपको अनकम्फर्टेबल किसके साथ में लग रहा था, महेश जी के साथ में या फिर एल्विश के साथ में। एक बंदा है जो मुझे स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद है, वही जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ।
हाँ तो दोनों एक ही ट्यूब में सवार, सारे एक्टर्स का इधर एक ग्रुप बन गया। क्या कर सकते हैं, माइंडसेट मैच होता है, माइंडसेट मैच होता है, सिंपल। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अविनाश जी यूट्यूबर्स के बारे में उसने बोला था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर भाई साहब इसके दोगलेपन की हद देखो, मतलब अभी रिसेंट जो टास्क हुआ था ना अभिषेक के साथ में, उसने अभिषेक को लिटरली धक्का दिया है। आप लोग भी ये वीडियो देखना, आपको भी पता चल जाएगा। रख नहीं सकते यार। मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैंने हाथ डाला था। उसने लिटरली धक्का दिया और बाद में आके बोलता है मैंने धक्का नहीं दिया। गाइस इससे बड़ा दोगला कौन हो सकता है। वैसा बिग बॉस वाले कुछ भी कर लेना, बट एलविश और अभिषेक की फ्रेंडशिप कोई नहीं तोड़ सकता। वैसा दोस्त होना है तो एलविश जैसा, उसकी कमर दर्द हो रही थी बंदे की, बट उसने फिर भी अभिषेक को कैप्टनसी टास्क जिताया और फाइनलिस्ट बनवाया। अब बात कर लेते हैं हमारे शो के होस्ट के बारे में, यानी सलमान खान के बारे में। लोगों को पसंद होंगे, मैं उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, पर जो उन्होंने एलविश के साथ में किया ना, वो कतई वाही आपका गजब दोगले इंसान है यार ये तो। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर, मिल मेरे को कई बार। आपने एक बंदे को डांटा, उसने एक्सेप्ट भी किया कि उसकी गलती थी, उसने सॉरी भी मांगा, उसको रुलाने की हर एक कोशिश की, वो इंसान रोया नहीं, उसने कंट्रोल किया। तो सलमान खान को क्या लगा कि मुझे इसको रुलाना है, तो आपने क्या किया, उसकी मम्मी को बता दिया कि उसने ऐसा ऐसा कुछ बोला है, जबकि उसकी मम्मी उससे नॉर्मली मिलने आई थी उसको मोटिवेट करने के लिए। अब बंदा उसकी मम्मी को देख के तो रोएगा ही ना। लेकिन एक सेकंड, लगता है इस बार के बिग बॉस का एडिटर थोड़ा नींद में है, क्योंकि वो दो तीन क्लिप्स कट करना भूल गया, जैसे पूजा जी के पास में फोन है। सलमान खान के हाथ में एडिटर पे ध्यान दीजिए, एलविश को डीमोटिवेट करने में नहीं। जो भी होगा गाइस, जीतना तो एलविश और अभिषेक में से ही कोई एक चाहिए, एंड दोनों फुल डिजर्विंग है, बाकियों का मुझे इतना नहीं लगता है पर्सनली, एंड यूट्यूबर्स भी हैं, सपोर्ट तो करना बनता ही है। सो गाइस सिस्टम चलता रहना चाहिए, अभिषेक को भी सपोर्ट करिए, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इतना रोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं आता है, मतलब मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू थे कि इस पूरे बिग बॉस OTT को देख के मुझे क्या फील हुआ, वो मैंने शेयर किया। यूट्यूबर्स से रिलेटेड था, यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना है मुझे, वैसे उनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट या यूट्यूब कम्युनिटी से हैं और हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड कोई कुछ बोलेगा तो वीडियोज़ तो बनानी बनती है। सो गाइस अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे रिक्रिएट किया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो या इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ गॉड्स ओन गर्ल, एंड आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बिग बॉस को लेकर, कौन विनर हो सकता है, एंड आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो ये ज़रूर बताना मुझे, और मेरे पॉइंट्स आपको कैसे लगे और मेरे पॉइंट्स कहाँ तक आपको सही लगे प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लीज़ गाइस किसी को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, ये जस्ट फन वीडियो था, जो मुझे फील हुआ मैंने वो सब बताया, एंड मोस्टली जो बिग बॉस फैन हैं उनके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, अपने थॉट्स भी बिग बॉस रिलेटेड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। सो सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शो योर लव, बाय। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना।